Hey family, welcome back to our new blog. तो आज है शिवरात्रि और आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्यारा उठ गई है और हम लोग भी उठ गए। क्यारा क्या कर रही है? बोलो गुड मॉर्निंग। बोलो बेटा गुड मॉर्निंग। अभी नेहा पूजा की तैयारी कर रही है। कर रही हो? अपराध हो रहे हैं भगवान जी का। बोलो ओम नमः शिवाय। पूरा कपड़ा हम लोग खोल लिए हैं, पूरा चेंज करेंगे और अभी सारा सामान यहाँ रखा हुआ है, सब साफ सफाई होगा। बने रहिएगा आज शाम को, हम जैसा कि पिछला ब्लॉग में बताए थे, अगर नहीं देखे तो वो ब्लॉग जाके जल्दी से देखिए। शाम को जैसा कि बताए थे कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत अच्छा है। क्यारा को देखिए, एकदम गाना बज रहा है तो प्रणाम करिए। आरती का बुक ले ली है, अब बोल रही हम उठेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। आरती का बुक को भी नहीं छोड़ रही है। जय की वहाँ क्या रहा? जय की भगवान जी को। जय करो जल्दी जल्दी, जय करो जय करो। हाँ अब पढ़ाओ, पढ़ो अब बोलो जय शिव ओम कारा। तो आज हम दोनों का फास्टिंग है तो उसके लिए नेहा क्या बना रही है? नींबू पानी। तो अभी नींबू पानी अभी पियेंगे, उसके बाद सीधे शाम को पूजा करेंगे। पहले जाएंगे तो अशोक धाम, जैसा कि पता है वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ब्लॉग में बने रहिएगा। और उसके बाद अभी नींबू पानी बना रही है। और कभी कभी जब हम लोग रेगुलर खाना खाते हैं तो कभी कभी फास्टिंग करते हैं तो वो भी बहुत अलग मजा है उसका ना। और आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, अगर आप लोग नहीं करते हैं तो, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कर ही लेते हैं जैसे शिवरात्रि जन्माष्टमी, कर ही लेते हैं। और आज के दिन मतलब फास्टिंग के दिन नींबू पानी का तो और ज्यादा स्वाद आता है। बहुत पी रहे हैं, बहुत टेस्टी लग रहा है। आहा हा, तुम पी ली? तो अभी हम दो को पेड़ लगा रहे हैं। पहला तो ये देख के समझ ही गए होंगे। नहीं समझे। ये गुलाब का है। इसका लीव्स देखो कितना बड़ा बड़ा है। वही तो हम सोच रहे थे, हम लाए हैं इसको जुगाड़ करके। अब लगा के देखते हैं, अगर लग गया तो इसमें फूल इतना बड़ा बड़ा खिलता है। क्या चीज का पत्ता है? गुलाब का है। और एगो? और एक बताते हैं। क्या रहा वहाँ चिल्ला रही है साइकिल पे बैठ के? तो क्या रहा तो चिल्लाएगी ना, उसको छोड़ के आओगे तो। आ रहे हैं एक तो लगा दिए हैं, अब देखते हैं ये लगता है कि नहीं। लग जाना चाहिए वैसे। लग जाना चाहिए। हाँ लग ही जाता है। हाँ। आप जो लगाते ये दूसरा ये खास करके आप सीड्स ये पता किस चीज का सीड्स है? कद्दू का। नहीं गलत। तो ये नेनुआ का है। नेनुआ का इसमें लगा रहे हैं। हाँ ये नेनुआ का सीड्स है। और अभी हम लोग रात का खाना खा रहे हैं, मतलब आज एक ही टाइम खाए हैं हम लोग ना, और तो सिर्फ फल खा रहे हैं। और ये है साबूदाना का खीर और नेहा खा रही है। नेहा को तो भूख लग गया था ना। आप बोले थे कि आपको भूख लग गया है। हाँ तो हमको लग गया था तो हम बोले तो टाइम पे ही खा रहे हैं ना। तो फैमिली अभी हम लोग जा रहे हैं और एक पोपट हो गया हम लोग के साथ। मतलब पहली बार हमको ये मंदिर पैदल जाना पड़ रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ है और भीड़ के कारण बाइक को वहाँ मेन गेट पे ही हम लोग को लगाना पड़ा। और वहाँ से कितना दूर है? कहाँ से? गेट पर से 2-3 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर हम लोग पैदल चलते चलते आखिर पहुँच गए हैं। बाहर से ये दृश्य देख सकते हैं और ये मेला बिल्कुल लगा हुआ है यहाँ ना नेहा। हाँ और आज हम लोग का फास्टिंग है, नेहा को बस चाट पापड़ी फोचका दिख रहा है ना। और भीड़ कितना है? वैसे कोरोना के 3 साल बाद हो रहा है हमको लगता है, इसीलिए इतना भीड़ है। मंदिर में एंटर कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लाइट
लाइटिंग भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और कहाँ जा रहे जय करो आ रहे हो गुड गाय चलो। मंदिर इतना बड़ा है कि भीड़ का पता नहीं चल रहा है ना। छोटा मंदिर रहता तो कितना भीड़ लगता। हाँ। देख रही हो महादेव सीरियल चल रहा है और मंदिर के बगल में ये मंदिर है देख सकते हैं। ये मंदिर है और मंदिर के बगल में महादेव सीरियल चल रहा है और देख कौन रहा है इतनी सारी भीड़ देख सकते हैं। सब टोटल लोग समझ में आए चाहे नहीं आए लेकिन देख सकते हैं। तुम भी देखोगी सीरियल महादेव वहाँ पे देखोगी क्या YouTube पे। तो यही भोला बाबा का शिवलिंग है जो बहुत अच्छे से सजाया हुआ है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है। ये नहीं आ रहे वीडियो में। तो फैमिली अभी आपने देखा कि दर्शन कर लिया भोले बाबा का और ये मंदिर का बाहर से भी हो रहा है बहुत ज्यादा भीड़ है और आप देख सकते हैं काफी तादाद में श्रद्धालु आए हुए हैं ना नेहा काफी तादाद में श्रद्धालु आए हुए हैं बहुत ज्यादा। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और घर अभी निकलेंगे। कौन से कैमरे पे नजर रखा जा रहा है ड्रोन टू इंट देखो कैसे खड़ा है ड्रोन देखो नया ड्रोन खड़ा है यहाँ पे। हम लोग अब मंदिर से निकलने वाले हैं लेकिन निकलने से पहले 5 मिनट मंदिर में बैठना चाहिए तो बैठ गए ना। मेरा तो आवाज ही नहीं जा रहा बहुत ज्यादा भीड़ है इसलिए।